नमस्कार, मैं राजीव सीरियल व्यू सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 मिर्च का मजा कविता में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIAI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि मिर्च का मजा काबुली वाले द्वारा मिर्च खरीदने वाली कहानी पर आधारित है। इसमें पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजों के बारे में बात करते हुए हिंदी और पर्यावरण विषयों का एक साथ वर्णन किया गया है। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की उपयोगिता है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक का नाम बोलने पर पाठ से जुड़े सब बोलकर कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। आइए देखते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ की अवधारणा को पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से पौधों से प्राप्त होने वाली चीजों के या फल या सब्जी के नाम की जानकारी को दोहराते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थीम आधारित उपस्थिति के निर्देश, शिक्षक द्वारा उपस्थिति के लिए फलों या सब्जियों के नाम की थीम निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें विनम्रतापूर्वक निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को गतिविधि के दौरान अनुशासन के पालन करने का भी निर्देश दिया जाता है। अब शिक्षक द्वारा क्रमानुसार उपस्थिति ली जाती है। कक्षा में उपस्थिति के दौरान सभी विद्यार्थियों को शिक्षक अपने अनुक्रमांक सुनने पर पाठ से जुड़े फलों या सब्जियों के नाम बोलकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक विद्यार्थी का अनुक्रमांक बोलते हैं। अनुक्रमांक एक, एक विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलता है आम। अनुक्रमांक दो, एक विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है और फिर बोलता है मूली। शिक्षक इसी तरह एक एक करके अंतिम अनुक्रमांक तक बोलते हैं और सभी विद्यार्थियों को अपने नाम के साथ पाठ से जुड़े फल या सब्जियों के नाम को बोलकर उपस्थिति के दौरान पाठ से जुड़ी जानकारी को दोहराने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्र पढ़े हुए पाठ का आसानी से दोहराव कर पाते हैं और याद करने में सक्षम होते हैं। विषय वस्तु से जुड़े विभिन्न फलों और सब्जियों के नाम का ज्ञान होता है। शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं और वाक्य बोलना सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में वृद्धि होती है। कहानी के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। कक्षा में छात्रों के स्वयं सीखने का माहौल बनता है। इससे कॉन्सेप्ट समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। शिक्षक मिर्च का मजा पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। यह नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIAI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIAI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत